हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? आप लोग सब अच्छे ही होंगे। आज मैं आपको दिखाने जा रहा हूं हम घर पर एनेमोमीटर कैसे बना सकते हैं। यह एनेमोमीटर होता है हवा की गति नापने वाला यंत्र। तो इसके लिए मैंने ये कागज ले लिया है, कागज के छोटे छोटे टुकड़े और ये खाली बॉल पेन और ये चार थंबनेल ले लिए, कैंची और दो लकड़ी के टुकड़े और एक खाली बोतल और सेलो टेप। इनकी सहायता से अब हम इनको इस बोतल में हमने छोटा सा छेद किया हुआ है, यहाँ पे हम इसको रखेंगे, ऐसे फिट करेंगे और बनाने के बाद मैं बनाने जा रहा हूँ, आप देखते रहिएगा। मैंने एक शुरू कर दिया कागज को काटना। तो मैंने ये देखिए, अब ये कागज को काट के इसको छोटा सा सेलो टेप से चिपका दिया है और ये जो पिन है इसको ऐसे रख दिया है। ये हमने चार बनाने होंगे। ओके, अब मैं एक बना रहा हूँ, अब ऐसे ही चार बनाना, एक और बना रहा हूँ, देखते रहिएगा। अब ऐसे आपने कागज फोल्ड करना है और कागज को ऐसे फोल्ड करते हुए ये देखिए कागज को मैंने फोल्ड किया है और इसमें जो है मैंने अब ये पिन लगा दी, ये पिन लग गई है, अब देखिए ये। और इसको मैं काट के थोड़ा छोटा बना देता हूँ। दो बन रहे हैं और ये तीसरा वाला भी हम बना रहे हैं। ये देखिए, अब इसको कागज को मैं पिन से ऐसे कर देता हूँ, ये देखिए, और इसको ऊपर से भी लेवलिंग कर देता हूँ थोड़ा मिला के। ये देखिए हमने काट लिया इधर, देखिएगा ऐसे आप भी बनाते जाइए मेरे साथ। ये देख, हमारे चार बन गए हैं और ये जो है अब हम हवा की गति की तरफ बनाएंगे। अब हमने टू स्टिक ले लिए और इसमें नीचे से जो है ये यहाँ से जो है एक पिन हम नीचे से लगा देंगे और ये ना हिले इसके लिए इसमें हम सेलो टेप लगा देते हैं। आप देखते जाइए, तो देखिए ये हमारा बन गया है। अब इसमें जो है हम साइड से जोड़ देंगे, ये देखिए आप, मैं जोड़ने जा रहा हूँ इसको, इस लकड़ी में हम जोड़ देंगे ऐसे। और चारों कोनों में ऐसे ही जोड़ देंगे हम। देखिए अब इस तरह हमारा ये घूमने वाला एनेमोमीटर तैयार हो चुका है। अब देखिए मैं इस बोतल में जो है थोड़ा पानी भर लेता हूँ, क्योंकि खाली बोतल जो है इसमें वेट नहीं होगा। और इसमें मैंने थोड़ा ये पानी भर लिया। आप किसी भी चीज़ से बना सकते हैं। फिलहाल मेरे पास बोतल है और मैं बोतल से बना रहा हूँ। आपके पास भी ऐसी खाली बोतल होगी, आप बना सकते हैं। इसमें ढक्कन में छेद कर लिया है, आप भी छेद कर सकते हैं। देखिए अब मैंने बोतल लगा लिया। अब इस बॉल पेन का जो खाली बॉल पेन है मैंने इसमें डाल रहा हूँ, देखिए। ये जो है मैंने अब बॉल पेन के ऊपर ऐसे लगा दिया है, देखिए
उल्टा लग गया, मैं इसको सही तरीके से लगाता हूँ। तो ये देखिए अब लग गया है, ये लग चुका है। अब ये हमारा एनोमीटर तैयार हो चुका है। देखिए अब ये जहाँ हम हवा में रखेंगे तो ये अपनी तरह अच्छी तरह काम कर लेगा। अब जब हवा में इसको मैं बाहर हवा में रखने जा रहा हूँ तो आप देखिएगा इसको ये कैसे अच्छी तरह काम करता है। तो बहुत कम हवा चल रही है जिसकी वजह से ये धीरे धीरे घूम रहा है। देखिए आप देख सकते हैं इसमें धीरे धीरे मूवमेंट हो रहा है। देखिए और इसके हिसाब से एक मिनट में जितने चक्कर काटेगा उसी हिसाब से हम हवा की जो है गति निकालेंगे, वेलोसिटी निकालेंगे हवा की। तो ये देखिए आराम आराम से घूम रहा है ये। हवा जोर की लगेगी तो ये जोर से घूमेगा। अभी जो है आराम से घूम रहा है। देखिए हम देख सकते हैं ये जब हवा जोर की लगेगी तो जोर से घूमेगा। अभी ये जो है आराम से घूम रहा है। तो हम ऐसे अपने घर पर ही जो सामान है हमारे पास उसी से हम ऐसे एनोमीटर बना सकते हैं। तो आप भी बना लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।